नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन बिहार पेशोपेश में था। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को इस्तीफा सौंप दिया है। उनके इस्तीफा सौंपने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। बता दें आपको कि इसके बाद नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें वो यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि आरजेडी ने कोई काम नहीं किया है, सारा काम हमने अकेले किया है। इसके बाद से अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं और यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जंगल राज से छुटकारा मिल जाएगा। जंगल राज हटाने के लिए हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है और एनडीए में वापसी की है नीतीश कुमार की। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन बिहार पेशोपेश में था। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? अगर लालू जी की सरकार तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। मैं बिहार वासियों से इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2005 तक जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और हम कुर्बानी देते रहे, और हमने उस समय भी अपने संगठन के बलबूते पर नीतीश कुमार को 2000 से ही मुख्यमंत्री, केवल इसलिए कि जंगल राज से मुक्ति मिले। मुझे अब एक ही चीज का है कि अब इन्होंने दे दिया है। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता, इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे गिरिराज सिंह, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 2.5 साल में जंगल राज पार्ट 2 का आगमन हो गया था, इससे छुटकारा पाने के लिए हमने फिर से नीतीश कुमार को अपने साथ बुलाया है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है, ताकि जो बिहार में जंगल राज की शुरुआत हुई थी उसको हम लोग खत्म कर सके। इसी के साथ नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।